सो लेट मी स्टार्ट टुडे विद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. देखो बेटे, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, ये एक कंफिग्रेशनल आइसोमेरिज्म है. ठीक, इसमें कंफिग्रेशनल आइसोमेरिज्म की खासियत होती है, आयुपिक नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा. आयुपिक नेम सेम रहेगा, सिर्फ अरेंजमेंट्स चेंज होंगे. ठीक, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, बट डिफरेंस इन रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है जी, अगर मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कंपाउंड सेम हो, बट जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसकी रोटेशन में फर्क आ जाए, so they are considered to be optical isomers and the phenomena is called as to be optical isomerism. So before starting with optical isomerism, just go through the various definitions or you can say small topics ki optical isomerism kya hai, kaise hai. To isme sabse pehli baat hamare paas aati hai, plane polarized light kya hai, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, क्या होती है प्लेन पोलराइज लाइट, कैसे बनती है प्लेन पोलराइज लाइट, और फिर हमें ये रोटेशन की बात देखनी है कि ये रोटेशन का क्या मतलब है. ठीक, हाउ डज अ मॉलिक्यूल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट. ठीक, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नाम की बला क्या है. ठीक, और फिर हम वापिस आएंगे अपने टाइप पर कि किस तरह के हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमिज्म होता है. देखो बेटे, शुरुआत में जब हमें लाइट की प्रॉपर्टी, लाइट के बारे में पता नहीं था, लाइट प्लेन पूरे लाइट के बारे में मालूम नहीं था, तो शुरुआत में लुई पाश्चर वाज़ द साइंटिस्ट जिसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिया. लुई पाश्चर ने लैक्टिक एसिड में से, यानी दूध में से लैक्टिक एसिड क्रिस्टल्स निकाले, सेपरेट आउट किए, और जो लैक्टिक एसिड क्रिस्टल थे उसने देखा लाइट की तरफ इसका दो तरह का बिहेवियर है, तो उसने उसको ऑप्टिकल आइसोमर्स बोल दिया. यानी दिस फिनोमिना वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लुई पाश्चर. ठीक, तो लुई पाश्चर ने हमें यह बताया था कि लाइट की तरफ प्रॉपर्टी डिफरेंट है दो लैक्टिक एसिड क्रिस्टल के, लेकिन वो ये नहीं बता पाया था कि ऐसा क्यों है. उसने सिर्फ बता दिया कि ये मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट लाइट की तरफ प्रॉपर्टी अलग अलग है, पर क्यों है उसके बारे में पता नहीं था उसको. तो शुरुआत में अगर हम देखें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे, तो फिर मैं आऊंगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कब जरूरत होगी उसकी, वो भी पढ़ेंगे हम. देखो बेटा, सबसे पहले लाइट की रोटेशन जब हमें नहीं मालूम थी, जब हमें लाइट की रोटेशन नहीं मालूम थी, तो बेटे क्या होता था कि हम अपने ऑप्टिकल आइसोमर्स को कुछ दूसरे तरीके से देखते थे. शुरुआती तौर पे बेटे हम ऑप्टिकल आइसोमर्स के जो हम पढ़ेंगे इस बैच में, हम चार पार्ट्स इसके पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के. सो वी विल बी स्टडिंग फोर पार्ट्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म. ठीक, पहला पार्ट जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का आएगा, ठीक, पहले मैं चार पार्ट्स में इसको बांट देता हूं. चार पार्ट्स में हम इसको बांटेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को. ठीक है जी, ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और इसको बेटे अपन चार पार्ट में बांटने वाले हैं. ठीक, सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता था कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम, कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम. बेटा ये तब की बात है जब हमारे पास लाइट को चेक करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था. उसी के बाद हमने एक नया सिस्टम दिया था, आर एस सिस्टम. और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है तो वो है आर एस सिस्टम. ठीक, उसके बाद हमारे पास आया स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम,
स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम, जिसको बेसिकली आप लोग इनेंशियोमेरिज्म के नाम से जानते हो, ठीक है जी। दिस कैन बी कॉल्ड एज इनेंशियोमेरिज्म, ठीक। एंड लास्टली एक हमारे पास आता है थ्रियो एरिथ्रो सिस्टम। ये जो थ्रियो एरिथ्रो सिस्टम है, इट्स अ कंबाइंड आइसोमेरिज्म ऑफ ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल। इसमें दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है, इसमें जी आई भी लिया जाएगा, ओ आई भी लिया जाएगा, ठीक, दोनों इकट्ठे तरीके से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम डी एंड एल सिस्टम, आर एंड एस सिस्टम, डी एंड एल सिस्टम और थ्रियो एरिथ्रो पढ़ने के लिए पहला काम क्या करेंगे, अपने मॉलिक्यूल के फॉर्मूलाज को पढ़ेंगे कि एक फॉर्मूला को हम कितने तरह की चीजों से शो कर सकते हैं, ठीक, एक फॉर्मूला को कितने तरीके की चीजों से शो कर सकते हैं। ये जो दो आइसोमर्स हैं, ये तब था डी एंड एल सिस्टम एंड आर एंड एस सिस्टम वॉज when there was no instrument, there was no instrument to check instrument to check optical activity, ठीक। यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब लाइट की तरफ जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हमने डी एंड एल और आर एंड एस सिस्टम दिया था। लेकिन आफ्टर द यू कैन से इंस्ट्रूमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड, वी गॉट टू नो अबाउट डी एंड एल सिस्टम्स एंड थ्री एरिथ्रो सिस्टम। इससे पहले कि हम आगे चलें, तो हमें सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए वो समझना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी है क्या, क्यों आ सकती है, क्या उसका रीजन होगा, यानी बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस। फिर मैं इन सिस्टम्स पे दोबारा आऊंगा आपके साथ, ठीक। तो सबसे पहली बात हमें पढ़नी है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहली बात क्या पढ़नी है, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस चीज को बोलते हैं, ठीक, ऑप्टिकल एक्टिविटी किस चीज को बोलते हैं और ये क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी इज बिहेवियर टुवर्ड्स plane polarized light of a molecule, ठीक। यानी बिहेवियर towards plane polarized light of a molecule is called as optical activity। अभी कैसे चेक होती, पहले तो हमारे पास कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी इसके लिए सिस्टम डिवेलप कर दिया गया बेटा। कैसे, हमारे पास मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। अब इससे बेटा सोर्स से लाइट निकल रही होगी, तो ऑब्वियस है लाइट जब निकल रही होगी तो वो सभी प्लेन्स में, सभी डायरेक्शंस में होगी। समझ में आई बेटे बात। अब हमने क्या किया, इस लाइट को बेटे जी पास करवाया बाय अ पेयर ऑफ प्रिज्म विच इज कॉल्ड एज निकोल प्रिज्म, ठीक, निकोल प्रिज्म। ये क्या होता है, अभी हम क्लियर करेंगे सब कुछ। जब लाइट यहां से पास ऑन हुई तो क्या हुआ कि जैसे आप फिजिक्स के प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि जब लाइट एक प्रिज्म से जाती है तो डिस्पर्स हो जाती है, तो मैक्सिमम लाइट इधर 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 डिस्पर्स हो गई, सिर्फ एक ही प्लेन की लाइट आगे पास ऑन हो पाई, अब क्योंकि यहां पे लाइट की सारी वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में है तो इसको बोल दिया गया बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोल दिया गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है जी। तो अभी तक के लिए जो चीजें हमने समझी, सबसे पहले ये क्या था, ये सोर्स था, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है जी। ये लाइट इन ऑल प्लेन्स, ये सारे प्लेन्स में लाइट थी बेटा जी, ठीक। और ये हमारे पास था बेटे निकोल प्रिज्म,
निकोल प्रिज्म इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट का बना हुआ प्रिज्म होता है, कैल्साइट, कैल्साइट होता है बेटा, क्रिस्टलाइन कैल्शियम कार्बोनेट इज कॉल्ड एज कैल्साइट, कैल्साइट के बने हुए प्रिज्म होते हैं, ठीक। अब इस लाइट के रास्ते में हम रख देते बेटा एक सैंपल ट्यूब, इस लाइट के रास्ते में बेटा हमने क्या रखना है, एक सैंपल ट्यूब रख देनी है, प्लीज सी दिस, सो दिस इज अ सैंपल ट्यूब, ठीक है बेटा। इस सैंपल ट्यूब में हम वो सब्सटेंस भर देते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भर देते हैं जिसके कि हमें क्या देखनी होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी होती है बेटा, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सैंपल ट्यूब, ठीक। और सैंपल ट्यूब से ये जो लाइट है जैसे यहां से पास ऑन हो रही है, रास्ते में हमने यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल रखा है उसको रख दिया है, और यहां पर हम फिर से निकोल प्रिज्म का एक जोड़ा लगा देते हैं, लाइट यहां से बाहर ऐसे आई होनी चाहिए अकॉर्डिंगली, ठीक, जो लाइट आनी चाहिए थी वो ऐसे बाहर आनी चाहिए थी। इसको एनालाइज करने के लिए हम इसके रास्ते में एक और प्रिज्म का जोड़ा रख देते हैं, ठीक, जिसको हम ये फिर प्रिज्म का जोड़ा, निकोल प्रिज्म का जोड़ा, ठीक है जी। और जब लाइट इस पे गिरती है फर्दर, ठीक, हम इसको चेक करते हैं, चेक करते हैं कैसे, यहां पे एक माइक्रोस्कोप हमने लगा रखा होता है, ठीक, ये माइक्रोस्कोप हो गया और ये तुम्हारी सुंदर सी आंख हो गई, ठीक है जी, क्लियर। अब ये जो चीजें हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश भी करते हैं, ये हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई बच्चों, ठीक। ये हो गई सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब, ठीक। ये हो गया फिर से निकोल प्रिज्म्स, निकोल प्रिज्म्स, ठीक है जी। और ये हो गया बेटा आपका माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक। अब इस सब में आपकी आंख को छोड़ करके बाकी सारा कुछ एक डब्बे में रख दिया जाता है, ठीक। तो ये बन जाता है पोलारीमीटर, ये क्या बन जाता है, पोलारीमीटर, सो दिस इज कॉल्ड एज पोलारीमीटर, ठीक है जी। इसको आप पोलारीमीटर कहते हैं, जो कि लाइट की रोटेशन चेक करने के लिए बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है, पोलारीमीटर। जहां पे बेटा जी हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आई, सबसे पहली चीज हमारे पास यहां आ गई, दिस सोर्स ऑफ, व्हाट यू कैन से, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट। तो सबसे पहली बात हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट आई बेटा जी, सो दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, दिस लाइट इन ऑल प्लेन्स, दीज आर निकोल प्रिज्म, ये दो प्रिज्म है, ठीक। एंड दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, दैट इज लाइट हैविंग रोटेशन वन वन, यू कैन से प्लेन। और ये सैंपल ट्यूब हमारे पास हो गया, ये निकोल प्रिज्म का जोड़ा हो गया, और ये माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक। ये सब बातें आपको समझ में आई, इसमें लाइट जैसे पास ऑन करवाओगे, निकोल प्रिज्म उसको एक प्लेन में कर देगा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइट हैविंग ऑल वाइब्रेशंस, हैविंग ऑल वाइब्रेशंस इन वन प्लेन, इन वन प्लेन, ये पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसका सैंपल ट्यूब। देखो बेटा सैंपल ट्यूब में दो चीजें,
हमने सैंपल ट्यूब में क्या रखना है, हमने सैंपल ट्यूब में बेटा वो सब्सटेंस रखना है जिसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको चेक करनी है, ठीक, यानी सब्सटेंस हूज ऑप्टिकल एक्टिविटी टू बी चेक, ठीक, और इसकी कंसेंट्रेशन, ये ध्यान देना, कंसेंट्रेशन यहां ग्राम पर लीटर में लेनी है, किसमें लेनी है, ग्राम पर लीटर में, जनरली हम मोल पर लीटर में जगह जगह लेते हैं, यहां ग्राम पर लीटर में हमने कंसेंट्रेशन लेनी है, इंपॉर्टेंट बात है, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। और दूसरी बात, केमिस्ट्री में हमेशा ही हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ होती है, लेंथ किसी भी चीज की, वो मीटर में सेंटीमीटर में मापते हैं। ये एकमात्र ऐसी जगह है बेटा जहां पे आप इसकी लेंथ जो होगी, लेंथ को मेजर करोगे बेटा जी, यहां से यहां तक इन डेसीमीटर्स, ठीक, यहां पे लेंथ इज मेजर्ड इन डेसीमीटर्स, ये जो लेंथ है, ठीक, ये मेजर होगी इन डेसीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम डेसीमीटर में कहीं यूज ही नहीं करते, सिवाय यहां के हम कहीं पे भी डेसीमीटर में यूज नहीं करते। अब ये जो पहला निकोल प्रिज्म है, पहला निकोल प्रिज्म है, इसने लाइट को क्या किया था, प्लेन पोलराइज बनाया था, इसलिए इस निकोल प्रिज्म को अपन बोलेंगे पोलराइजर, क्या बोलेंगे, पोलराइजर, क्योंकि इसने लाइट को एक प्लेन में पोलराइज कर दिया था। और ये जो निकोल प्रिज्म है बेटे, जब हम यहां से देखेंगे ना, तो हम इस निकोल प्रिज्म को ऐसे रखेंगे, अगर ये बिना हिलाए लाइट सीधी पूरा प्लेन ऑफ लाइट हमें नजर आ रहा है, तो यानी मॉलिक्यूल्स ने लाइट को रोटेट नहीं किया है, तो वो सब्सटेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। पर मान लो अगर मेरे को इसको रोटेट करना पड़ता है टू सी होल द प्लेन ऑफ लाइट, दैट मीन्स द सब्सटेंस हैज रोटेटेड द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। थर्मोमीटर देखना आता है आपको, डिजिटल वाला नहीं बोलूंगा, थर्मोमीटर देखना आता है, थर्मोमीटर कैसे देखते हो, बंदे के मुंह में लगाया है ना जी, और फिर अपनी आंखों के 90 डिग्री पे यूं रखा, थर्मोमीटर इज अ ट्रायंगल, इजंट इट, ठीक, अभी इट्स अ प्रिज्म बेसिकली, तो आप अपनी आंखों के राइट एंगल पे रखते हो और उसको यूं हिलाते हो, या तो इधर राइट या लेफ्ट, ऐसे तो नहीं करते भाई, ऐसे कर देते हो, ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ ऐसा करके देखते हो, ऐसा तो नहीं करते, सिर्फ आप उसको यू रोटेट करते हैं, यू रोटेट करते हैं, यानी इधर टू राइट और टू लेफ्ट, जस्ट टू चेक कि मैक्सिमम प्लेन ऑफ लाइट कहां से हमारे आंखों पे पड़ रहा है, यानी पारे की जो लाइन है वो सबसे मोटी कहां पे दिखाई दे रही है, वहां हमें क्लियरली दिखाई दे, है ना, ऐसे ही करते हो ना, तो जब वो मोटी दिखाई रही थी उस समय हमारा मैक्सिमम प्लेन ऑफ लाइट हमारी आंखों पर पड़ रहा होता है, हम वही रुक जाते हैं। ऐसे ही हम इस प्रिज्म को राइट और लेफ्ट को रोटेट करते हैं, जब हमें मैक्सिमम प्लेन ऑफ लाइट दिख जाता है वहीं रुक जाते हैं। तो इस निकोल प्रिज्म के राइट लेफ्ट होने से हमें दिखाई देता है, इसलिए बेटा इसको नाम दे देते हैं एनालाइजर, क्योंकि इसी से एनालाइज हुआ, एनालाइजर। अब कोई सब्सटेंस, कोई ये सब्सटेंस अगर रोटेट्स द लाइट टूवर्ड्स राइट, towards right, अगर कोई सब्सटेंस राइट को रोटेट कर देता है लाइट को, ठीक है जी, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो लाइट को राइट साइड को रोटेट कर देता है, तो उसको बोल दिया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहलाता है बच्चे। उसको कई लोग स्मॉल डी से भी बोलते हैं, कई लोग उसको प्लस भी शो करते हैं, और इवन कई लोग छोटे आर से भी लिख देते हैं, जो कि गलत है वैसे, टार लिखना नीचे, पर कई लोग लिखते हैं कैपिटल आर, देखो यहां कैपिटल डी मत लिखना, उसका मतलब अलग हो जाएगा, कैपिटल आर मत लिखना, उसका मतलब अलग हो जाएगा, यहां स्मॉल डी स्मॉल आर है, समझ में आया। अब वहीं पर अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट द लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट, अगर लेफ्ट को रोटेट करता है तो उसको लीवो रोटेटरी सब्सटेंस बोल दिया जाता है, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। लीवो रोटेटरी के लिए स्मॉल एल लिखा जाता है या माइनस लिखा जाता है,
और कई बदतमीज स्मॉल एस भी लिख देते हैं, ठीक है बेटा, जबकि स्मॉल एस कोई है नहीं, पर लिखने वालों को कोई रोक सकता नहीं, ठीक। तो ऐसे करके ये दो रोटेशन हो सकते हैं। और कहां से चेक हुई? हमारी रोटेशन यहां से चेक हुई। अगर ये एंगल है थीटा, जिस एंगल से रोटेट हुआ, हमें कैसे पता चलेगा हमारा निकोल प्रिज्म कितने एंगल, कितने डिग्री आपने रोटेट किया? तो ये जो थीटा है, दिस थीटा इज कॉल्ड एज ऑब्जर्व्ड रोटेशन। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जर्व्ड रोटेशन। ये ऑब्जर्व्ड रोटेशन होगा कि कितनी रोटेशन हुई, ठीक है जी, कितनी रोटेशन हुई, दैट इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन। और बेटे हमें किसी कंपाउंड की ऑब्जर्व्ड रोटेशन नहीं देखनी होती है, बेसिकली ऑब्जर्व्ड रोटेशन से हमें बाकी चीजों का पता चलता है, हमें देखनी होती है स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रोटेशन, ध्यान देना यहां पर, स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन लिखते हुए हम इसके यहां पर ऊपर वेवलेंथ लिखा करते हैं जो लाइट के हमने यूज की। जैसे सोडियम बल्ब यूज किया तो 589 नैनोमीटर हमने यहां लिख दिया, ठीक है। और नीचे बेटा इसी के नीचे यहां पे टेम्परेचर का यूज लिखा करते हैं। किस टेम्परेचर पे देख रहे हैं? जैसे 25 डिग्री 298 केल्विन, ठीक। ये इसके ऊपर नीचे ये कौन सी लाइट यूज हुई, किस टेम्परेचर पे यूज हुआ। एंड दिस स्पेसिफिक रोटेशन इज फाउंड टू बी इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय सी इंटू एल, वेयर व्हाट इज थीटा? थीटा इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन। थीटा इज ऑब्जर्व्ड रोटेशन। थीटा होता है ऑब्जर्व्ड रोटेशन। Observed rotation, theta is observed rotation, ठीक। और वहीं पर c क्या है बेटा? c concentration होती है। c क्या होती है? concentration होती है। और l क्या होता है? l length होती है। c concentration और l length होती है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया। ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी बिहेवियर टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक। तो ये ध्यान देने की बात है, स्पेसिफिक रोटेशन इज थीटा बाय सी इनटू एल, वेयर सी इज कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टेकन इन द सैंपल ट्यूब, एंड एल इज लेंथ ऑफ द सैंपल ट्यूब व्हिच इज इन डेसीमीटर्स। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा आप लोग, है ना, ध्यान से। विष्णुवंत सर बेटा आपसे तो बहुत जरूरी चाहिए आंसर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कंसेंट्रेशन बढ़ा दूं तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश। अगर कंसेंट्रेशन सैंपल ट्यूब में बढ़ाई तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? यस यस विष्णु, क्विकली आंसर देने का, नो चेंज। हरमन ने लिखा आंसर इसका। यस विष्णु फटाफट बोलो यार। आदित्य आप बताओ, आदित्य और मेरे पास कौन कौन है? रोहित आप बताओ बेटा, आप बताओ रोहित। अगर बेटे मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया तो थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा? विष्णु गुड बेटा, देखो बेटे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये सोच लेते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कहते कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये कम हो जाएगा। जैसे आप में से भी दो तीन का आंसर मेरे को आ गया। याद रखना
ना तो कंसेंट्रेशन ना लेंथ पर अल्फा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा इज स्पेसिफिक रोटेशन, इसके ऊपर लेंथ या कंसेंट्रेशन का फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, अगर कंसेंट्रेशन चेंज होगी तो ऑब्जर्व रोटेशन चेंज हो जाएगी, जितना ये चेंज होगा उतना ये चेंज हो जाएगा, नेट इफेक्ट जीरो। इसमें फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, थीटा पे पड़ेगा, ये याद रखना। कंसेंट्रेशन बढ़ाने से या लेंथ बढ़ाने से, कंसेंट्रेशन कम करने से या लेंथ कम करने से ऑब्जर्व रोटेशन कम या ज्यादा हो सकती है, ऑब्जर्व रोटेशन कम या ज्यादा हो सकती है, बट कभी भी बेटे हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन कम या ज्यादा नहीं होती है। गॉट इट? Just wait for a second. I will be back in one minute. Wait for a second. Think, not a second, more than a second. Okay. So, बेटे ऑप्टिकल एक्टिविटी समझ में आए, क्या होती है, कैसे होती है, कैसे पता चला, पोलेरीमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व रोटेशन पे क्या फर्क पड़ता है। एक क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर में कि जब हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आया है पेपर में कि जब हम कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ऑप्टिकल रोटेशन जो है यानी ऑब्जर्व रोटेशन उस पे और स्पेसिफिक रोटेशन पे क्या फर्क होता है, तो आपको पता चल गया स्पेसिफिक रोटेशन पे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कंसेंट्रेशन बढ़ाने से थीटा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, ये क्वेश्चन ये था, ये असर्शन रीजन में मैंने ये देखा, क्वेश्चन था असर्शन में कि व्हेनेवर कंसेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड द ऑब्जर्व रोटेशन इंक्रीजेस, ठीक, ये असर्शन था और रीजन था मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स कम इन द पाथवे। बिल्कुल सही बात, कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो क्या होगा, बड़े बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होंगे वो लाइट की पाथ में आएंगे, अगर वो लाइट की पाथ में आएंगे तो वो स्कैटर होंगे, ज्यादा स्कैटर करेंगे लाइट को, ज्यादा ऑप्टिकल रोटेशन मिलेगी हमारे को। बट स्पेसिफिक रोटेशन कभी भी कंसेंट्रेशन पे या लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत साल पहले आया करते थे, जब कभी मैं एडवांस में आया करते थे, अब मैंने देखा तो नहीं है, बट इट इज वेरी सिंपल, आपको कंसेंट्रेशन दी होती है, वेट दिया होता है, आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि कंसेंट्रेशन लानी है ग्राम पर लीटर में, और जो लेंथ दी होगी वो लानी है डेसीमीटर में, और जो ऑब्जर्व रोटेशन दी होती है वो भर करके आप स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। या किसी की स्पेसिफिक रोटेशन दी होती है, कंसेंट्रेशन लेंथ दे रखी है आपने, ऑब्जर्व रोटेशन निकालनी होती है, बस उसमें एक ही जो मेन बात है, मेन ट्रैप है, वो है कंसेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में, और जो आपकी लेंथ है सैंपल ट्यूब की वो डेसीमीटर में, ये भूलने का नहीं, बाकी सब कुछ चलेगा। सर थीटा डिग्री में होता है या रेडियन, रेडियंस में? पार्थिव बेटा रेडियंस और डिग्री अलग अलग होता है बच्चे, हाँ जी है बेटा पार्थ, मेरे को बताओ रेडियंस और डिग्री अलग अलग यूनिट्स हैं क्या? क्योंकि मैंने तो आज तक यही सुना है कि बेटा रेडियंस को हम डिग्री में शो करते हैं, ठीक, हम ये बोलते हैं 60 डिग्री बोल देते हैं रेडियंस को, मैंने तो यही सुना है बेटा आज तक। अरे डिग्री रेडियन एक ही बात होता है यार, ठीक, रेडियन बोला जाता है उसको रिप्रेजेंट बोलते समय कॉमन भाषा में हम डिग्री बोलते हैं, रेडियंस नहीं बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर? एनी हाउ आगे चलते मेरे दोस्तों। अब ये तो हमने ये पढ़ा कि ऑप्टिकल रोटेशन क्या होती, कैसे होती है, लाइट को लेफ्ट को कैसे। अब बात आती है कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता क्यों है, कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसके ऊपर बहुत बहस है बेटा। कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव क्यों होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक, क्या कॉज है ऑप्टिकल एक्टिविटी का? देखो बेटा सबसे पहले बंदों के दिमाग में आया काइरल कार्बन, ठीक, कॉज शुरुआत में हमें जब बताया गया तो बोल दिया गया देयर इज अ कार्बन कॉल्ड एज काइरल कार्बन, काइरल कार्बन जिसको कई लोग चिरल भी बोल देते हैं ना भाई, आप में से कईयों ने शायद चिरल कार्बन करके पढ़ा हो, इट इज सेम, काइरल कार्बन बोलते हैं उसको भाई। अब जो काइरल कार्बन है वो क्या होता है बेटा, काइरल कार्बन होता है जिसके आसपास कार्बन की वैलेंसी चार होती है, ठीक, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए होते, चारों एटम्स डिफरेंट लगे हुए होते, काइरल कार्बन होता है। जैसे कि ये सी है, सी के साथ यहाँ ए लग गया है, यहाँ बी लग गया है, यहाँ सी लग गया है और यहाँ डी लग गया है,
सो दिस इज कॉल्ड एज काइरल कार्बन, इसको काइरल कार्बन बोला जाता है। ठीक, ऐसे बेटे हमारे पास एक और होता है जिसको स्यूडो काइरल भी बोलते हैं, स्यूडो काइरल, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने क्वेश्चन देखा था बेटा किसी पेपर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स स्यूडो काइरल कार्बन। ठीक, और कभी अश्विनी सर की खासियत है बेटा, अगर क्वेश्चन कहीं आया है तो उनके नोट्स में है, क्योंकि मैं एनालाइज करता रहता हूं पेपर को, तो इसलिए बेटा ऑब्वियस सी बात है जो कभी आया होगा क्वेश्चन वही पढ़ाऊंगा, ऐसे बेकार की चीजें बताता नहीं हूं। ठीक, स्यूडो काइरल क्या होता है कि अगर मान लो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और इसके तीनों ग्रुप अलग अलग है, तो दिस इज अ स्यूडो काइरल कार्बन, जैसे चारों ग्रुप अलग अलग थे तो काइरल कार्बन। ठीक, फिर अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि तीन ही ग्रुप है, तीनों अलग अलग हो, तो स्यूडो काइरल बोलते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी में यूज नहीं होता बेटा, ये आगे जाके यूज होता है मैकेनिज्म्स वगैरह में। ठीक, एक होता प्रो काइरल कार्बन, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, प्रो काइरल कार्बन, ये आगे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होता है कि इनमें से कौन जो है उसका प्रोडक्ट काइरल होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो उसमें हमें प्रो काइरल कार्बन ढूंढना होता है। नो, प्रो काइरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसका एक एच रिप्लेस कर देने से वी गेट अ काइरल कंपाउंड। ठीक, यानी कि हमारे पास एक ए लगा है, एक बी लगा है और दो एच लगे हैं, अभी तो एक काइरल नहीं है क्योंकि दो एच लगे हुए हैं। अब मान लो इस एच को यू रिप्लेस बाय एनी अदर एलिमेंट देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट शुड नॉट बी ए और बी, कोई और, तो वो काइरल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा कार्बन जिसका हाइड्रोजन रिप्लेस करने से दैट चेंजेस इनटू काइरल कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड एज टू बी प्रो काइरल कार्बन। ये तीन तरह के कार्बन, लेकिन बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी ना इसकी वजह से बताई गई ना इसकी वजह से बताई गई, हमें शुरुआत में ये बताया गया कि काइरल कार्बन मे बी काइरल कार्बन इज द प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन के आसपास थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, है ना बेटा। तो अगर एक ग्रुप आगे है और दूसरा पीछे है, टेट्राहेड्रल कैसा होता है बेटा, अगर हम टेट्राहेड्रल को बनाने की कोशिश करें तो थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे ना, देखो ध्यान से, ऐसे बनाएंगे। Now, this is towards the observer. ठीक, this is away from the observer. ठीक है, towards and away from the observer. अब कोई ग्रुप पहले, मान लो X यहां था, किसी में वो पीछे चला गया, तो हो सकता है कि लाइट एक बारी किसी X आगे वाले से टकराई, तो उसने इस तरह से रोटेट कर दी, कोई पिछले वाले पे टकराई, उसने दूसरी तरह से रोटेट कर दी, इस तरह से करके हमारे पास ऐसा बोला गया कि काइरल कार्बन मे बी द कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन लेटर ऑन हमने पाया कि काइरल कार्बन इज नॉट द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, काइरल कार्बन इज नॉट द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन, काइरल कार्बन इज नॉट द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक, क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्यों, हमने ये पाया कि कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें काइरल कार्बन थे yet they are optically inactive, और कुछ कंपाउंड ऐसे थे जिसमें काइरल कार्बन नहीं था yet they are optically active, तो इसका मतलब काइरल कार्बन इज नॉट द थिंग जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हाँ जी आदित्य बेटा, प्रो काइरल उसको बोलते हैं ऐसा कार्बन
जिसका एक एच रिप्लेस करने से किसी और मॉलिक्यूल से या एटम से दैट टर्न्स टू बी अ काइरल कार्बन, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रो काइरल। जैसे इसका एक एच मैन रिप्लेस कर दिया किसी एक्स से, ठीक है जी, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग हो जाएंगे, सो दैट टर्न्स आउट टू बी अ काइरल कार्बन। गॉट इट नॉट? गॉट इट और नॉट? ओके, थैंक यू। तो बेटा ये अभी हमें क्लियर हो गया कि दिस नॉट सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि देयर आर मेनी कंपाउंड व्हिच कंटेन काइरल कार्बन येट दे आर ऑप्टिकली नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आई हैव अ टार्ट्रिक एसिड, बेटा टार्ट्रिक एसिड इज दिस, इन दिस टार्ट्रिक एसिड इफ यू सी दिस कार्बन हैव ऑल द फोर ग्रुप्स डिफरेंट, सो दिस इज अ काइरल कार्बन and this atom has all the four group different, this also chiral carbon, okay? But yet it contains chiral carbon, but compound is optically inactive. Now this was very big problem, chiral carbon hai but optical activity nahi hai, aur aise kai compound hame mil gaye beta jisme chiral carbon nahi hai fir bhi optical activity. Spirenes are one of the examples, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक। तो इसका मतलब chiral carbon is not the sufficient condition. So then what is the sufficient condition for showing optical activity? तो बेटा necessary and sufficient condition, necessary and sufficient condition to show optical activity, necessary and sufficient condition to show optical activity is chirality of the molecule. क्या बोला? Chirality of molecule. मॉलिक्यूल की कायरालिटी, व्हाट द हेल इज कायरालिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल? डिसिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मस्ट बी डिसिमेट्रिकल, ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास, ठीक, ये नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास, ठीक है जी, कि मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिकल होना चाहिए। अब डिसिमेट्रिकल कैसे पता चले? यानी देयर शुड बी नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, there should be no element of symmetry which should be present. Necessary and sufficient condition जो है optical activity show करने की, वो है chirality of the molecule, dissymmetry of the molecule. ठीक, there should be no element of symmetry present. तो obviously दिमाग में आया कि what are elements of symmetry? तो अगला question आया elements of symmetry क्या होते हैं? Elements of symmetry क्या होते हैं? See, when you talk about elements of symmetry, बेटा elements of symmetry में हमारे पास तीन different element होते हैं बेटा symmetry. There are three different elements of symmetry भी है, और वो तीन elements of symmetry कौन से होते हैं? Number one, plane of symmetry. ठीक, नंबर टू, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद नंबर टू, एक तो होता है प्लेन, दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, नंबर थ्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
ठीक है जी, प्लेन ऑस्मिट्री, सेंट ऑस्मिट्री, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑस्मिट्री। प्लेन ऑस्मिट्री को सिंपली पीओएस बोल देते हैं लोग, सेंट ऑस्मिट्री को जनरली सीओएस बोल देते हैं लोग, और ऑल्टरनेट एक्सिस को एएओएस बोल देते हैं, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑस्मिट्री बोल दिया करते हैं। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हुआ करते हैं बेटा, ऑस ऑस एएओएस। अब हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, ठीक, इसकी डिटेल्स में जाएंगे। सो अब हम फर्दर मूव करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अब हम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री किस ब्लॉक को बोलते हैं बेटा। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज इमेजिनरी प्लेन विच कट्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ्स। क्या बोलेंगे? इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन विच कट्स अ मॉलिक्यूल इन टू इक्वल हाफ्स। ये वो इमेजिनरी प्लेन है जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में काट देता है, इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री हम लोग कहा करते हैं। सो प्लेन ऑफ सिमेट्री विच कट्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, लाइक इफ आई हैव अ मॉलिक्यूल CH3 से यहां पर Br, यहां H, यहां Br, यहां H, यहां CH3, ठीक। अब आपने इसको यहां से काट दिया, इक्वल पार्ट में कट गया, तो ये क्या हो गया? ये POS हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ठीक है जी, क्लियर हो गया। जैसे बेटे अगर मान लो इसको मैंने ऐसे लिखा होता, CH3 Br H CH3 Br H, है ना जी, तो ऑब्वियसली ये यहां से काट दिया, ये क्या हो गया? ये POS हो गया भैया, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल मैंने ऐसे बना दिया होता, ठीक है जी, ठीक है जी, ऑब्वियसली हम मान लो CH3 लगा दिए, सो वी कैन कट दिस मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ लाइक दिस। और याद रखना ये जो इमेजिनरी प्लेन बना रहे हैं इस पे हम कोई ग्रुप या एटम भी ले सकते हैं, यानी हियर वी कैन टेक लाइक दिस आल्सो, दिस आल्सो कट्स अ मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ, दिस अनदर स्लाइस कट, इसको बोलते स्लाइस कट्स, जो कट लगाते हैं ना हम, यानी ऐसा प्लेन जो इमेजिनरी प्लेन है जो एक मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में काट रहा है, जितने भी होंगे वो स्लाइस कट्स कहलाएंगे। जैसे एक स्फीयर में इनफिनिट स्लाइस कट्स होते हैं, ठीक, इस तरह से हमारे पास जैसे इसमें मैंने दो स्लाइस कट बनाए हैं, ठीक, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर भी स्थिति है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर भी स्थिति है, हम दो चीजों को एक प्लेन पे ले सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा होता, तो टेल मी हियर वी हैव CH3, हियर वी हैव CH3, सो डू आई हैव अ प्लेन ऑफ बिटवीन दिस? Definitely, मैं अगर इसको यहां से काट दूं, so this is POS, plane of symmetry, ये equal part में काट रहा है, ठीक? अब मान लो, अब तुम्हारे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं भाई, ठीक? सारा मैं ही थोड़ी बताता रहूंगा, अपनी तनख्वाह मेरे को थोड़ी भेजोगे तुम लोग, टेल मी इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल?
सो बिल्कुल नहीं, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दिस, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक। अगर ये दोनों एक ही साइड को होते तो डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री होता। अब इसी मॉलिक्यूल को ब्रदर अपन ऐसे बना रहे हैं, नाउ डज दिस मॉलिक्यूल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्विकली, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस विष्णु बंसल। पार्थिव, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, यस। बाकी नरेंद्र आ रहा है भाई, थोड़ा मर्जी का मालिक है भाई, कम कम शम नजर आता है नरेंद्र भैया। और बाकी ये रोहित, इनका कोई है नहीं जवाब रोहित का, या फिर नजफ का तो चलो आ गया मेरे को, ठीक। आकाश भी बोल ही देता है बीच बीच में, हाँ जी। सो बेटे, देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री डेफिनेटली। मैंने अभी बोला था कि आप किसी ग्रुप या चीज को ऑन द प्लेन ऑफ सिमेट्री ले सकते हो भाई। सो दिस इज टेकन ऑन द प्लेन, और ये दो इक्वल पार्ट में कट गया, सो देयर इज अ स्लाइस कट, सो देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मैंने तभी तो स्पेसिफिकली ये बना के बताया था भाई, ठीक। तो यानी आप किसी ग्रुप या एटम को एक प्लेन पे ले सकते हो, फिर देख लेना कि वो इक्वल हाफ में कटा जा सकता है कि नहीं कटा जा सकता है, ठीक है। लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज गिवन इन योर यू कैन से शीट, ठीक, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई वो तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है दैट कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहली बात समझ में आई बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? आर यू क्लियर और नॉट? ओके, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री बेटे, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम किसको बोलते हैं बेटा? अगर हम किसी मॉलिक्यूल के एक जैसे पार्ट्स को आपस में मिलाएं और वो सारी लाइंस एक पर्टिकुलर जगह पे कट कर जाएं, तो वो जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री कहा जाता है, जहां से सारे ग्रुप्स इक्विडिस्टेंट भी होते हैं। मतलब समझ लो, ताकि क्लियर हो जाए, ऐसे तो जिंदगी में ना समझ में आए बोल कर रहे हैं सब। जैसे मान लो मैं एक इस तरह का मॉलिक्यूल ले लेता हूं, एक हमने कभी जिंदगी में की थी 100 हॉर्स प्रोजेक्शंस। मान लो यहां CH3 है, यहां CH3 है, यहां BR है, यहां H है, यहां BR है, यहां H है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं पे हमारे पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, रादर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? सो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, डेफिनेटली नॉट। लेकिन अगर मैं CH3 को CH3 से मिलाऊं, ठीक, राधर यहां पे भी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूं, यहां पर एच और यहां बी आर। अब मैंने क्या किया, एच को एच से मिलाया और बी आर को बी आर से मिलाया, तो सारी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पे कट गई, तो ये हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ इन्वर्जन कहा करते हैं। यानी अगर किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम जो एक जैसे हैं उसको आपस में मिलाएं, उसको आपस में मिलाएं और क्या हो, वो सारी लाइंस एक ही जगह पे कट कर जाएं, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको अपन सेंटर ऑफ
सिमेट्री बोलेंगे। जैसे मेरे बच्चों मैं एक और लेके चलता हूं से यहां CH3 यहां CH3 ठीक है जी। अब अगर मैं इस CH3 को इस CH3 से मिलाऊं तो बेटा मेरे को ऊपर से जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल के बीच से निकलते हुए नीचे जाऊंगा और नीचे जाके इसके साथ जोड़ूंगा। ठीक, यहां से निकलूंगा ना, ध्यान देना भाई ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, कभी कभी आ जाया करता है और आज वही दिन भी हो सकता है। ठीक, यहां से मैंने शुरू किया, मॉलिक्यूल के बीच से निकला और नीचे आ गया यहां तक, बात समझ में आई। अब ये सेम मॉलिक्यूल को मैंने काटा। सिमिलरली बेटे अगर मैंने इसको इस पॉइंट को इससे मिलाया होता यहां पर, तो सारी चीजें हमारे पास एक कॉमन प्लेन पे, कॉमन जगह पे कट रही हैं। ऑब्वियसली अगर ये ऐसे है तो हम इसको ऐसे भी तो शो कर सकते हैं ना बच्चा लोग, यहां पर एच होता होगा, सिमिलरली इसका एच यहां पर होता होगा। ठीक, तो अगर हम एच से एच भी मिलाते तो भी ये उसी कॉमन पॉइंट पे कटता कि नहीं कटता। तो ये जो कॉमन पॉइंट हमारे पास होता है, यहां से मैं थोड़ा डॉटेड इसलिए बता रहा हूं, ये मैं पिछली साइड चला गया मॉलिक्यूल के। ठीक, तो ये कॉमन पॉइंट आया, इसको हमने बोला सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो दिस इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ इन्वर्जन और सेंटर ऑफ सिमेट्री। उम्मीद है बात समझ में आती होगी। अगर मान लो मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, नाउ इज देयर अ सेंटर ऑफ सिमेट्री हियर, यस एवरीबॉडी क्विकली यार जल्दी जल्दी बताओ। Yes, there is no center of symmetry over here. अरे ये तो मॉलिक्यूल के ऊपर ऊपर है, तो ये लाइन ऊपर ऊपर से जाएगी, बाकी नीचे जाएंगी तो कट कहां से करेंगी, समझ रहे मेरी बात। ये मॉलिक्यूल ऐसा है, एक यहां पे ऊपर है एक यहां पे ऊपर है, तो ये लाइन ऊपर ऊपर जाएगी तो बीच से कैसे कट करेगी भाई, ये वाली लाइन उसको कैसे कट करेगी, समझ में आई। उसके लिए ये ऊपर था ये नीचे था, तो लाइन ऊपर से नीचे तक जा रही थी, समझ में आई बात, तब तो कट की। अगर ये दोनों एक ही साइड को ऊपर को है तो कट कैसे करेगी, सो देयर इज नो COS ओवर हियर। ठीक, तो फटाफट बोलो कॉस पॉस दोनों समझ में आए कि नहीं आए, क्विकली बोलना यस और नो। ओके, अब कॉस और पॉस के बाद आगे चलते हैं, अगली कहानी हमारे पास आ जाती है कॉस पॉस के बाद, जिसको हम बोलते हैं AAOS, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मेरे बच्चों, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जहां तक बात करें, पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो आ जाए, अल्टरनेट एक्सिस तो बाद में ही बात है। देखो बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है पहले ये समझ ले। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बेटा एक ऐसी इमेजिनरी एक्सिस जिसके अराउंड अगर मॉलिक्यूल को मैं 360 बाय एन से रोटेट करूं, वी गेट अगेन एंड अगेन द सेम फेजेस। ठीक, इट इज इमेजिनरी
एक्सिस अलोंग विच अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड, अ मॉलिक्यूल इज रोटेटेड बाय 360 अपॉन n डिग्रीज एंड वी गेट सेम फेस अगेन एंड अगेन एंड वी गेट सेम फेस अगेन एंड अगेन सो दैट इज डेफिनेटली कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। जैसे बेटे अगर आई हैव अ मॉलिक्यूल लाइक ठीक है जी, सो इट इज अ क्यूब, से इट इज अ क्यूब अगर ये क्यूब है तो बेटा ये जो हमारे पास एक्सिस आएगी जिसके अराउंड मैं इसको रोटेट करूंगा, ठीक, और कितना करूंगा 360 बाय एन से, तो मेरे को सेम फेस चार बार नजर आ जाएंगे। तो इफ इट इज अ क्यूब तो क्यूब में चार बार सेम आएगा फेस, तो इसको बोलेंगे फोर फोल्ड एक्सिस। अगर ये क्यूब है, अगर क्यूब नहीं होता, मतलब क्यूबॉइड है, कहने का मतलब वही है, क्यूबॉइड है तो ये फोर फोल्ड एक्सिस है। बट मान लो ये ऐसा ना होता, ऑर्थोरोम्बिक होता, टू फोल्ड एक्सिस होते, समझ में आई, देन इट विल बी टू फोल्ड एक्सिस। वैसे ही बेटे अगर मान लो मैं इसको इस तरह से बना देता, इस तरह से बना देता, सो दिस इज अ ट्राइंगल भी है ना, ये हमारे पास ट्राइंगल होता और ये ट्राइंगल होता, ठीक, और हमने यहां से एक लाइन को खींचा होता, और यहां से बाहर निकाल दी होती। अब इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व करो जरा, इस एक्सिस के अराउंड इसको रिवॉल्व करो जरा, तो क्या होगा मेरे भाई, यू विल बी हैविंग थ्री टाइम्स सेम, सो इट इज थ्री फोल्ड एक्सिस, दिस इज थ्री फोल्ड एक्सिस, ठीक। इसी तरह से हेक्सागन में बेटा सिक्स फोल्ड एक्सिस हो जाता है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि जिसके अराउंड अगर हम मॉलिक्यूल को 360 बाय एन से रोटेट करें तो सेम फेस दिखाई दे, तो उसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहा करते हैं। पर बात यहां एक्सिस ऑफ सिमेट्री की नहीं है, बात यहां ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि डेफिनेशन जो होगी वो ये समझनी मुश्किल होती है, ठीक, लिख लो। Whenever a molecule या whenever a compound is rotated through 360 by n, whenever a compound is rotated by 360 by n times, so that phase appearing, so that phase appearing has its mirror image,
has its mirror image, and its mirror image, and its mirror image is superimposable, and its mirror image is superimposable on the original face, on the original face. The compound must have, the compound must have alternate axis of symmetry. The compound must have alternate axis of symmetry. अब समझ तो नहीं आया होगा, ये एक मॉलिक्यूल ले लिया जापान, एक ऐसा वाला एक मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है जी। अब इस मॉलिक्यूल में आपने क्या किया, यहां से एक एक्सिस डाल दी, ये लो, इसके अराउंड आपने इसको रोटेट किया 360 बाय 2 मान लो 180 से, और ये फेस हमारे सामने आ गया। नाउ दिस फेस, ये ऊपर ड्राइंग मत देखो यार, this face is superimposable to its, इसकी मिरर इमेज देखो, इसकी मिरर इमेज देखोगे तो बिल्कुल सेम ओरिजिनल फेस की तरह होगी। तो दिस मॉलिक्यूल मस्ट हैव ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी जब एक मॉलिक्यूल को 360 बाय एन से, ये ले लो, ये एक फेस था, मैंने इसको 360 बाय एन यानी 360 बाय 2 180 से डिवाइड किया, 180 से रोटेट करने से ये फेस आया, मैंने इस फेस की मिरर इमेज देख ली, और वो मिरर इमेज और ओरिजिनल जो पहले वाला फेस था वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल है। तो समझ लिया कि इस मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। ये बेटा हायर क्लासेस में जाके देखोगे, अभी आपको AAOS की ज्यादा जरूरत नहीं होती, अभी तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि भैया किस में POS है किस में COS है, AAOS की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है, क्लियर। तो उसी से देख लेंगे तो विल बी फार बेटर, will be far better. अगर फिर भी जरूरत हुई तो I'll definitely make a molecule और मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा, ठीक, but otherwise जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चे, हमारे पास ये तीन एलिमेंट ऑफ सिमेट्री थे, जिसमें ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं, जिसमें ये तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पाए जाते हैं वो सिमेट्रिकल हो गया, ठीक। अब हमारे पास आ गया कि इफ ऑल थ्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट, जिसमें तीनों एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। एंड दैट विल ऑलवेज बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो, दैट इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑन द अदर हैंड, इफ अ मॉलिक्यूल डज नॉट हैव any element of symmetry, और अगर molecule जो है उसकी कोई भी element of symmetry नहीं है, there is no element of symmetry, if a molecule does not have any element of symmetry, the molecule is considered to be dissymmetrical. And that is optically active. And the third thing, तीसरी बात, if a molecule may have any of the element of symmetry, any of the element of symmetry, but not all
ऑल, दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल। ये किसने बताना भाई तुम्हें? एसिमेट्रिकल, एंड दैट मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए एसिमेट्री डिसिमेट्री में फर्क है बच्चों, जो नहीं बताते लोग। एसिमेट्री का मतलब है तीनों में से कोई एक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री हो जाता होगा, ठीक है, वो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। समझ में आई? तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली वो नहीं होगा। यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज दिस सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। दिस इज द कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो हम बोलते हैं डिसिमेट्री इज द कंडीशन फॉर शोइंग ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है मेरे बच्चों, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्विकली बोलिएगा, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री समझ में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक, देखो बेटे, आगे हमारे पास आएगा कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्मूला इनटू अदर, तो मैं जल्दबाजी में नहीं करना चाहता हूं। कल हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आगे लेके जाएंगे। ठीक, अभी वैसे मेरे पास 5 to 7 minutes है, बट दैट विल नॉट डू द पर्पस। ठीक, तो मेरे को इंटरचेंजेस सिखाने हैं, इसलिए ये अपन कल को पढ़ते हैं दोबारा। कल 1:30 बजे क्लास होगी, एज आई टोल्ड यू।